वाराणसी में उगते सूरज की किरणें गंगा का स्पर्श कर रही हैं। इस पल यहाँ अनगिनत श्रद्धालुओं की ऊर्जा समाई हुई है। हिंदू तीर्थयात्री वर्षों से यहाँ आ रहे हैं। यहाँ अनुष्ठान और आस्था की गंगा कई पीढ़ियों से बह रही है। यहीं करीब 2500 साल पहले एक हिंदू राजकुमार भी आए थे, मगर उनके आने का कारण अलग था। शाक्य कुल के इस राजकुमार का जन्म हुआ सिद्धार्थ गौतम के रूप में, लेकिन दुनिया उन्हें बुद्ध के नाम से जानती है, बुद्ध जो प्रबुद्ध थे। ज्ञान प्राप्ति के 7 हफ्तों बाद महात्मा बुद्ध वाराणसी के पास एक जंगल में आए और अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया। उसे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं, जिसका अर्थ है धर्म चक्र की गति पर नियंत्रण। और यही था जन्म मानवीय पीड़ा से मुक्ति देने वाले बौद्ध धर्म का। शुरुआत बहुत छोटी थी। संघ के सदस्य मठों में रहने वाले पहले बौद्ध थे। वो सिर्फ 6 थे, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई। संघ आज भी है। ये समाज में भाईचारे और सौहार्द का ऐसा संगम है जिसमें शामिल लोग आजादी के मार्ग पर सजग जीवन बिताते हैं। सारनाथ वाराणसी से करीब 10 किलोमीटर दूर, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये बौद्ध धर्म की 4 सबसे पवित्र जगहों में से एक है, जिनमें शामिल है उनका जन्म स्थान लुम्बिनी, बोध गया जहाँ उन्हें ज्ञान मिला, और कुशीनगर महानिर्वाण स्थल। आज भी सारनाथ में हजारों साल पहले बनी इमारत के अवशेष मौजूद हैं। इनमें से सबसे अहम है धमेक स्तूप, जिसे कभी धर्म चक्र स्तूप कहते थे। करीब 2300 साल पहले इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, फिर 800 साल बाद इसका पुनर्निर्माण हुआ। माना जाता है कि यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बेलन के आकार के इस बुर्ज का व्यास 30 मीटर और ऊंचाई 43 मीटर है। इन पत्थरों पर कभी सुंदर नक्काशी की गई थी। इसके अंदर क्या है, इसका पता आज तक नहीं लग पाया। कई लोग मानते हैं कि इसके अंदर शायद महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं, मगर कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यहीं से बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला था। आने वाली सदियों में महात्मा बुद्ध के उपदेश न सिर्फ इस उपमहाद्वीप में बल्कि दूर दराज तक फैलने लगे। अंतरराष्ट्रीय यात्री सारनाथ आते हैं। वो यहां आकर उस पवित्र भूमि पर चलते हैं जहां धर्म के चक्र ने गति पाई थी। आज दुनिया भर में करीब 50 करोड़ लोग बौद्ध हैं। उस धर्म में आस्था रखते हैं जिसकी शुरुआत यहां सारनाथ में हुई थी, उस राजकुमार के उपदेशों से जो खुद एक भिक्षु बन गया, जो महाज्ञानी था। उत्खनन से प्राप्त मूर्तियों एवं अन्य अवशेषों को शुरू में खुले में रखा गया। पुरातात्विक उत्खनन के आगे बढ़ने के साथ ही एक संग्रहालय की आवश्यकता महसूस की गई। वर्ष 1904 में संग्रहालय निर्माण का मसौदा तैयार हुआ और वर्ष 1910 में संग्रहालय बनकर तैयार हुआ। इसी गैलरी में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह शीर्ष प्रदर्शित है।